अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम डिज़ाइन टाइप की बात कर रहे थे, तो उसके अंदर अपने लास्ट वीडियो में थीम पर बात की थी। तो आज हम बात करेंगे पैराग्राफ स्पेसिंग पर, कि पैराग्राफ में स्पेसिस किस तरीके से होती हैं। ठीक है, लाइन स्पेसिंग के अंदर मैंने ये पैराग्राफ स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा कवर किया था, लेकिन ये एक शॉर्ट सी वीडियो बनानी थी क्योंकि हमारा एक सीक्वेंस था डिज़ाइन टाइप के अंदर, एक टैब आ रहा था, तो मैंने कहा चलो इस पर वीडियो बना दूँ। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता चल होना चाहिए कि पैराग्राफ स्पेसिंग होती क्या है। ठीक है, पैराग्राफ स्पेसिंग की मदद से हम इस तरह कर सकते हैं कि अपनी डॉक्यूमेंट, पूरी डॉक्यूमेंट जो है उसके लाइन और पैराग्राफ की जो स्पेसिंग है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम इस तरह कर सकते हैं, प्री डिफाइंड जो ऑप्शन है उनको तो अप्लाई कर ही कर सकते हैं। इसके अलावा हम इस तरह कर सकते हैं कि अपने कुछ नए कस्टमाइज करके, यानी या जो अपने कस्टम है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारी होती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम इस तरह करते हैं कि पैराग्राफ स्पेसिंग करते हैं। तो एक सिंपल सा आइडिया देना है, एक शॉर्ट सी वीडियो होनी है। तो सबसे पहले मैं इस तरह कर लेता हूँ कि पैराग्राफ स्पेसिंग की जो स्लाइड है वहाँ से मैं इस तरह कर लेता हूँ कि अपने वो चला जाता हूँ, जो हमारी डॉक्यूमेंट जिस पर लास्ट वीडियो पर हमने काम किया था उसी पर चला जाता हूँ। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट ओपन भी पड़ गया था लास्ट वीडियो में। मैंने आपके सामने फॉन्ट्स, ये सारी चीज़ें चेंज की थी, ये स्टाइल तक, इवन इफेक्ट्स वगैरह तक चेंज किए थे। तो आज हम इसके अंदर पैराग्राफ स्पेसिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो डिज़ाइन टैब ऑलरेडी ओपन हुआ पड़ा है, अगर नहीं ओपन हुआ पड़ा तो ये आल्ट और जी के साथ आप ओपन कर सकते हैं। ये देखें, स्क्रीन टैप आ गई है। ठीक है, तो इसके अलावा इसके अंदर हमने थीम्स पर बात कर चुके हैं, स्टाइल सेट्स पर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में। ठीक है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के टैब पर हमने कलर्स और फॉन्ट्स पर बात कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हमारा आ गया पैराग्राफ स्पेसिंग, ये एक छोटा सा ऑप्शन है। तो इसके ऊपर लेकर जाएं तो इसके अंदर एक टिप आती है, क्विकली चेंजेस द लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ऑफ योर डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो दिस ऑप्शन विल चेंज द स्पेसिंग ऑफ योर एंटायर डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग न्यू पैराग्राफ। यू कैन चूज बिटवीन प्री डिफाइंड वैल्यूज और स्पेसिफाई योर ओन। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, ये है यानी डिफ़ॉल्ट है। इसके अलावा नो पैराग्राफ स्पेसिंग से मुराद है कि इनके अंदर कोई स्पेस नहीं है। उसके बाद कम्पैक्ट है, ठीक है, टाइट है, टाइट ये देखें, जैसे जैसे इसके ऊपर ओवर करेंगे आप चीज़ें देखेंगे, ओपन के साथ देखें और खुले हो गए, रिलैक्स, या इस तरीके से हम काफ़ी सारे पैराग्राफ्स के ऊपर चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा डबल है, ये देखें इसके अंदर डबल हो गई है, रिलैक्स्ड है, ओपन है, टाइट है, कम्पैक्ट है, नो पैराग्राफ स्पेसिंग। अगर इनके ऊपर रखें तो आपको टिप्स ये होगी, बिफोर जीरो है, आफ्टर जीरो है, लाइन स्पेसिंग वन है। इसके अलावा कम्पैक्ट के ऊपर आएँ तो बिफोर जीरो है, आफ्टर फोर पॉइंट है, लाइन स्पेसिंग वन है, और टाइट के ऊपर आएँ तो जीरो पॉइंट है, बिफोर आफ्टर सिक्स पॉइंट और लाइन स्पेसिंग 1.15, और ओपन है जो इस पर जीरो, बिफोर जीरो है, आफ्टर 10 है और लाइन स्पेसिंग 1.15 है, और रिलैक्स में बिफोर जीरो है, आफ्टर सिक्स पॉइंट और लाइन स्पेसिंग 1.5 है। और सिमिलरली हमारे पास जो डबल है उसमें आपने देखा बिफोर जीरो है, आफ्टर 8 है, लाइन स्पेसिंग 2 है, लेकिन हम मुझे सबसे बेहतर जो लगा है वो है ओपन। तो सारी डॉक्यूमेंट के जो हमारे पैराग्राफ स्पेसिंग है वो हमने ओपन कर लिया है। इसके अलावा अगर हमने इसके अंदर कोई चेंज करनी हो तो यहाँ से कस्टम के अंदर जाकर हम ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से चीज़ें हम सारी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये तो हम इस पर कर चुके हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट था पैराग्राफ स्पेसिंग का। ठीक है, इसके अंदर आपने देखा होगा कि किस तरीके से हम इस तरह कर सकते हैं कि अपने पैराग्राफ्स हैं उनको, उनके अंदर किस तरीके से अपनी स्पेस वगैरह को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कंसेप्ट था हमारा पैराग्राफ स्पेसिंग का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह करेंगे कि स्टाइल सेट्स पर बात करेंगे कि स्टाइल सेट्स कैसे होते हैं, और कुछ स्टाइल सेट्स अप्लाई करके अपने डॉक्यूमेंट्स पर अप्लाई करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।